बाल हर लड़की की ख्वाहिश है और हर लड़की का ख्वाब है, लेकिन जी प्यारे हेल्दी बाल, सिल्की बाल हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आजकल के टफ रूटीन में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बालों पे इतना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर सके। ऊपर से वेदर जो कि बहुत गर्मी वाला है, वैसे ही बाल बहुत गिर रहे हैं, तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये है जी, हमने करने हैं फैशन, फैशन करने से तो हमने बाज आना नहीं है, तो केमिकल करवा के बालों को, वो फिर क्या होता है, बाल जल जाते हैं और वो एक्स्ट्रा केयर जो है वो मांगते हैं, जो कि हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है जी, हमें फिर बाल जो है वो अपने कटवाने पड़ते हैं, नीचे से जो जल जाते हैं वो तो काटने पड़ते ही हैं, ठीक है, उनका तो कोई हल ही नहीं है। आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपने स्टार्ट में देखा है, उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं आपके साथ 5 तरीके उसके इस्तेमाल के जो हैं वो शेयर करूंगी, ताकि आप एक प्रोडक्ट से बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकें। प्रोडक्ट है जी ये पेंटीन का, ओपन हेयर मेरिकल के नाम से ये चैलेंज है जी, मेरिकल करता है ये, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, और रिप्लेसमेंट है ये। पैकेजिंग इसकी गोल्डन कलर में है, जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, प्यारी है। बैक साइड पे अगर देखें तो ऊपर इन्होंने इसकी प्राइस जो है वो मेंशन की है, जो कि 350 है, 350 रुपया। नीचे उसकी तरीका कार और बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, 350 रुपये में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है जी 180 ml। इस ट्यूब में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो 180 ml मिलता है, जो कि ठीक अमाउंट है, कम नहीं है। अच्छा, सबसे नीचे इन्होंने इंग्रेडिएंट भी लिखे हुए हैं इसके, उसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि है जी अल्कोहल। कितनी मिकदार में है इसका मुझे नहीं पता, मेंशन ही नहीं था। जहां इतने सारे इसके अज्जा हैं उसमें एक ये भी है। लिड की बात करें तो प्लास्टिक की लिड है, जैसा कि आम तौर पर होती है। टेक्स्चर जो है इसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहला यूज इसका है जी एज ए ऑयल रिप्लेसमेंट, यानी कि ऑयल की तरह आप इसको किस तरह से लगा सकते हैं। मैं यहां पर आपको इसका टेक्स्चर भी दिखाऊंगी और खुशबू के बारे में भी बात करूंगी। आपने जब बाल धोने हैं, बाल धोने से पहले आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग जो है वो ये ऑयल रिप्लेसमेंट जो प्रोडक्ट है ये लेना है। टेक्सचर की बात करें बहुत क्रीमी है, बहुत थिक है, और फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है, लेकिन बहुत अच्छी है, बुरी वाली नहीं है। आजकल के वेदर में वैसे पसीना वगैरह आता है तो वो काफी देर तक स्टे करेगी आपके बालों में। आपने नहाने से पहले अपने बालों में अच्छी तरह इसको लगा लेना है। लगाने से पहले आप दोनों हाथों में अच्छी तरह इसे रब कीजिएगा, ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट जो है हो जाए। थिक क्रीम है, थोड़ा मेल्ट होगा तो फिर ये अच्छे से एप्लीकेशन हो जाएगी इसकी। इसकी एप्लीकेशन बालों में अच्छी तरह मसाज करते हुए आपने लगानी है। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको लगा के 30 मिनट तक रखें, ठीक है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको कम टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 10 मिनट तक तो मस्ट है आप इसको रखें। बालों का जूड़ा बना लिया, ऊपर आप शॉपर पहन लीजिए तो बहुत अच्छा है। मैं अपनी बेटी के बालों पर कर रही थी जी, वो उसने कहा जी मैं नहीं पाना कोई भी शॉपर शूपर, इस वजह से मैंने नहीं डाला, ठीक है। आपके पास शावर कैप हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। अगला इसका जो इस्तेमाल है जी वो है एज ए हेयर सीरम, लिवॉन सीरम। लिवॉन सीरम वो होते हैं जो कि बाद में वॉश नहीं करने पड़ते, एप्लीकेशन के बाद इसको वॉश नहीं करना पड़ता। जब आपने बालों को धो लिया और आपके बाल जो हैं वो हैं जी टॉवल ड्राई, यानी कि नुचड़ ना रहे हो लेकिन हो गीले, ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, एक ड्रॉप ही इसका लेना है। जितना आप आमतौर पे सीरम जो लगाते हैं उतनी मिकदार लेनी है। मैं जब इसके लिए इस एप्लीकेशन के लिए निकाल रही थी तो मुझसे ज्यादा निकल आया था, इस वजह से आपने जितनी अमाउंट आपको नजर आ रही है इससे आधा आपने, यानी कि इससे आधी मिकदार जो है वो आपने एज ए सीरम लगानी है। वही हाथों पर अच्छी तरह रब कर लेना है और गीले बालों में इसको अच्छे से लगा देना है। खास तौर से आप बालों के सिरों पे जहां दो मुहे बाल हो जाते हैं वहां पर इसकी एप्लीकेशन जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बाल जो हैं वो मैनेजेबल रहेंगे और बड़े शाइन करेंगे आपके बाल जो हैं। अगर कोई डस्ट वगैरह आप बाहर भी जा रहे हैं तो वो भी आपके बालों पे इतना असर नहीं करेगी, ठीक हो गया जी। ये हो गया एज अ सीरम इसकी एप्लीकेशन। अब अगली एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वो है जी बहुत बहुत ही कमाल की, क्योंकि जब बालों में कंघा फंस जाए
और इतनी उलझने, और ये देखिए इतनी उलझने पड़ी भी हो तो फिर क्या करे बंदा, बाल तोड़ने तो नहीं है। तो फिर ये आपने करना है कि इसी प्रोडक्ट का एक ड्रॉप लेना है, हाथों पे रब करना है और लगाना है। तो फिर देखिए कैसे वो सारे जितनी भी अटकने उलझने पड़ी हुई हैं, बाल टूटे बगैर जो है वो निकल आएंगी। इतनी सी मिकदार जो है वो आपने लगा लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने सूखे बालों में ऑब्वियसली लगानी है, गीलों में नहीं लगानी। मैं अपनी बेटी के बालों में कर रही थी तो आपको पता ही है फिर बच्चे कहाँ काबू आते हैं, तो उसको बड़ा जबरदस्ती बिठाया हुआ था और गीले बालों में, इसी वजह से मैं आपको ये डेमो करके दिखा रही हूँ। आपने ये ड्राई ऑब्वियसली जब आप कंघा फंसता ही जो है वो खुश्क बालों में है, ठीक हो गया जी। फिर आपका जो कंघा है वो बहुत स्मूदली चलेगा, इसमें ये मैरिकली करता है भाई, ये सच्ची बात है। अगला जो है जी वो है आपको, जब आप स्टाइलिंग करते हैं तो आपके बालों को प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक हो गया जी। तो उसका भी यही है कि जब आप स्ट्रेट करने लगे बालों को, आप कर्ल करने लगे बालों को, कोई कुंडल शुंडल पान लगे हो तुसी, तो उससे पहले आपने थोड़ा सा जो है वो बालों पे लगा लेना है, ताकि प्रोटेक्शन जो है वो आपके बालों के ऊपर एक लेयर जो है वो बन जाए और आपके बाल जो है वो डैमेज ना हो, ठीक हो गया। आपने इसकी एप्लीकेशन कर ली और फिर आप स्ट्रेट कीजिए, कर्ल कीजिए, जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं आराम से अपने बालों को डैमेज किए बगैर। हमने इतने ही बाल भाई किए थे, पूरे बाल हमने स्ट्रेट नहीं किए थे, वही बात बच्चों के नखरे भाई। अगला है जी एज ए कंडीशनर, अगर आपने कहीं जाना है तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप नहाएं, कंडीशनर लगाएं और सारे जो टशन है बालों के वो करें, तो फिर आपने क्या करना है, गीले बालों में आपने इसको लगाना है और थोड़ा सा जो है वो कोम शोम करना है, तो ऐसे लगेंगे आपके बाल जैसे बिल्कुल फ्रेश अभी आप धो के आए हैं, ठीक। शाइन देख लीजिए, अभी इसने अच्छे से एप्लीकेशन नहीं करवाई मेरी बेटी ने, लेकिन इसके बालों की शाइन देख लीजिए, बहुत अच्छी शाइन है। आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में बताना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बालों की शाइन आप चेक कीजिए बस। तो आप इसको जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यदि आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।